आपने अक्सर सुना होगा कि अपराधी जोश में होश खो देते हैं, लेकिन अब एमपी पुलिस भी जोश में होश खोने लगी है। कुछ ऐसा ही मामला उज्जैन में देखने को मिला। दरअसल बढ़ते क्राइम के खिलाफ सीएम शिवराज के निर्देशों के बाद उत्साहित पुलिस ने बिना पुष्टि किए ही निर्दोष अपराधियों का जुलूस निकाल दिया। उज्जैन के नागझिरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी की बिना पड़ताल किए ही निर्दोष युवक को पकड़कर सरेराह उसका जुलूस निकाल दिया। पुलिस को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो पीड़ित व्यक्ति को सॉरी बोलकर छोड़ दिया। अक्रम युवा श्रीमान जी के, मैं एक मैजिक चालक हूँ, मैं सीटें मैजिक चलाता हूँ। उस दिन मैं मेरे बालक को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था, मैंने सोचा गैस कम थी मैजिक में, मैंने गैस भरा लूँ। इसी बीच किसी अन्य मैजिक वाले ने एक बालिका को छेड़ दिया था, छेड़छाड़ की थी, तो उस व्यक्ति ने ब्लैक शर्ट पहन रखा था और मैंने ब्लैक शर्ट पहन रखा था। इस बीच वो व्यक्ति निकल गया और मैं सीएनजी भरवा रहा था, इतने में नागझिरी पुलिस आई और मेरे साथ मारपीट करने लग गई। मैंने पूछा सर क्या हुआ, तो कोई जवाब देने को राजी नहीं हुआ, तो मेरे साथ मारपीट करते हुए मेरा पूरा नागझिरी में जुलूस निकालते हुए और थाने पर ले गए। थाने पर ले जाने के बाद उनने शिनाख्ती मेरी करवाई उस उक्त बालिका से, तो उक्त बालिका ने मना कर दिया कि भाई साहब ये नहीं थे। मेरे साथ एक व्यक्ति और था, उसके साथ भी मारपीट की उनने, उसको ही पहचानने से उसने इनकार कर दिया। तो पुलिस वाले ने मुझे सॉरी कह के और छोड़ दिया कि आप जा सकते हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इसका जिम्मेदार कौन है साहब? आज मैं तीन दिन से मुझे इतना मारा कि मेरे जबड़ों से खाना चबाने के लिए मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ। उसके बाद मेरा आज तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद मेरी वैल्यूएशन पूरी नागझिरी में ख़त्म हो गई। आज मेरे रिश्तेदारों को मालूम पड़ गई, आम वीडियो वायरल, आम जनता ने वीडियो बनाया वायरल हो गया। आज मेरी छवि इतनी ख़राब हो गई कि मैं घर में से निकलने लायक नहीं रहा हूँ। एसपी साहब के पास आया हूँ शिकायत लेके, आवेदन देने कि साहब इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, बिना शिनाख्ती के किसी को परेशान नहीं किया। मैं तो आज मैं एक इंसान हूँ, तो इस हिसाब से इस दूसरी जनता के ऊपर भी क्या अत्याचार हो रहा होगा, आप ये सोचिए। एक आवेदक हरिकृष्ण श्रीवास्तव के द्वारा शिकायत की गई है कि पुलिस ने मेरे साथ अकारण मारपीट की गई है। इस संबंध में थाना नागझिरी से भी जानकारी ली जा रही है। अगर उसके साथ पुलिस के द्वारा गलत व्यवहार किया गया तो इस संबंध में जांच कर पुलिस को दंडित किया जाएगा। और जहां तक उसकी चोट की सवाल है तो हम उसका मेडिकल परीक्षण करा रहे हैं। बीच सड़क पर अपनी छवि खराब होने की वजह से पीड़ित युवक न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं मामले में आला अधिकारी जाँच के बाद ही उचित कार्रवाई की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, उज्जैन।